बलिया जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं की सेहत के लिए दिया जाने वाला दूध एक्सपायरी डेट का पाया गया है। करीब 40 मरीजों को एक्सपायर हुआ पैकेट बंद दूध बांट दिया गया। मरीजों की शिकायत के बाद सीएमएस ने जांच बैठा दी है। बता दें कि अस्पताल में दूध बांटने की जिम्मेदारी बालाजी इंटरप्राइजेस को सौंपी गई थी। यही कंपनी रोजाना मदर डेयरी ब्रांड का पैकेट बंद दूध मरीजों को देती थी। हर एक मरीज को 250 ग्राम दूध का पैकेट दिया जाता था, जिसका मूल्य 10 रुपए है। लेकिन बुधवार को कंपनी के द्वारा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए 11 जनवरी 2022 का पैक्ड दूध वितरित कर दिया गया, जो कि एक महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका। लेकिन कंपनी ने लापरवाही दिखाते हुए 40 मरीजों को खराब दूध बांट दिया। एक्सपायरी डेट का दूध पाए जाने पर मरीज के तीमानदारों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की। जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राशिद इमामुद्दीन का कहना है कि मामले का संज्ञान लिया गया है, जांच बैठा दी गई है और ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही कहा गया है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। कंपनी को 5 महीने पहले टेंडर आवंटित किया गया था। इसके साथ ही सहायक नर्सिंग अधीक्षक समेत 5 कर्मचारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी, उसको संज्ञान में लिया गया है और उसका स्पष्टीकरण वेंडर से मांगा गया है और जांच बैठा दी गई है। अब जैसी भी आगे कार्रवाई होगी, जो उसमें आएगा और जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्या है सर, क्या मामला पाया गया था? उसमें जो दूध बटा था उस पर एक्सपायरी डेट से क्रॉस करके था वो, तो उसको संज्ञान में लिया गया और तुरंत उसको हटा दिया गया दूध को। क्या कार्रवाई की जा रही है? जाँच बैठाई गई है, उसको एक स्पष्टीकरण और उससे कहा गया कि अगर तुम अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जो वेंडर है, कौन सप्लाई करता है दूध अस्पताल में? बालाजी इंटरप्राइजेस। कब का मामला? कल का है, बालाजी इंटरप्राइजेस है, उनको कल ही थमा दिया गया है। ईमानदारों की माने तो डिलीवरी के बाद महिला को दूध का पैकेट दिया गया जो कि एक्सपायर था। हाँ, मामला ये है कि मैं जो हूँ, हमारी पत्नी का डिलीवरी था, मैं शनिवार को रात को डिलीवरी हुआ, जब बच्ची हुई है। हम यहाँ पर हमारे आईसीयू में बच्ची पढ़ती है और हमारी पत्नी को जब यहाँ पर जो सरकारी द्वारा दूध और ब्रेड और मक्खन मिलता है, जो कि आज जो मिला है दूध, वो एक्सपायरी है, जो कि 3 महीने का रहता है। आज ये 3 महीने से अधिक का है। यहाँ पर लिखा है, बताइए। ऐसे ही सारे मरीजों को दिया जा रहा है, क्या होगा, कैसे क्या होगा, बताइए। एक्सपायरी है ये, बिल्कुल एक्सपायरी है। आप देख सकते हैं इसको, आप भी मिलाइए। मैं तो हमको तो समझ में आया तो बता दिया कि एक्सपायरी है, लेकिन आप भी इसको देखिए, थोड़ा चेक करिए। नहीं नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, सारा व्यवस्था ठीक है हॉस्पिटल का, लेकिन आज मैं देखा है इसको। और भी सारे मरीज उसमें भी है, सबके पास ये दूध है, उपलब्ध है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती महिलाओं की सेहत के लिए दूध देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत बलिया जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूध देने का ठेका एक फर्म को दिया गया था, लेकिन यहां आपूर्ति कंपनी ने लापरवाही बरतते हुए मरीजों को एक महीने पहले एक्सपायर हुआ दूध बांट दिया। हालांकि समय रहते मरीजों ने इसे देख लिया और अस्पताल प्रबंधक को सूचित किया। यूपी साक्ष न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।